ये मलक साहब किधर रह गए? वो तो आज मुश्किल ही आए। क्यों, खैरियत? रात उनके घर में बहुत झगड़ा हुआ है, फोन आया था मेरे पास, बहुत निढाल लग रहे थे बेचारे। भाई उनकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत क्या ठीक होगी, औलाद का सितम सहना आसान काम नहीं है। तो क्या फिर नसीर बिगड़ गया? बस एक ही रट लगाई हुई है, बेटियों को ना आने दें। अब आप बताएं, मलिक साहब से मिलने आती हैं बेटियां, अब वो किस दिल से मना करें उनको? नहीं चाहिए, उसको अकेले में बिठाएं, उसको समझाएं, पहचान कराएं रिश्तों की, आखिर उसकी भी तो बहनें हैं वो। उसका हर अव्वल और आखिर रिश्ता अपनी बीवी से, माँ बाप को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। हो जाता है, आप ही समझाएं उसको। आपके हैदर की तरह सब सादतमंद नहीं होते। खैर ये बात तो है, ये इतना आसान नहीं है। हैदर की तरबियत भी तो हमने ऐसी की है भाई, बड़ा जान जोखों का काम है, पूरी मेहनत की है उसकी तरबियत पे। दरअसल हैदर की तरबियत में उसकी माँ का बड़ा दखल है। देखिए बचपन से उसने रिश्तों की पहचान कराई, हैदर की घुट्टी में बहनों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी है उसने। अब हमने पाला है हैदर को, मगर हमेशा शेर की आंख से देख के पाला है। आप भी तो अपने इकलौते हैं अपने वालदेन के, तभी तो आप बहन भाइयों के रिश्तों की कदर जानते हैं आप। ये आपसे किसने कहा कि मैं इकलौता हूँ? नहीं, मैं असल में, मेरे मुझे ख्याल है असल में कभी जिक्र नहीं किया आपने, तो मैं यही समझता रहा कि शायद आप इकलौते हैं। नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता नहीं हूँ, एक बहन है मेरी। बड़ी है आपसे, उनके शौहर क्या करते हैं? मेरी बहन है वो यहीं रहती है, मैं उससे मिलता नहीं, वो मर चुकी है मेरे लिए। और मैं उसके लिए,